उनके साथ बातचीत होगी, चंडीगढ़ में भी हो सकती है या कहीं और भी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर ये इशारा उन्होंने ये नहीं कहा कि शिमला में बैठक होगी, बैठक चंडीगढ़ होगी। संदीप, रोक रहा हूं आपको, ये सीधी तस्वीर है, आप देखिए गुजरात से और मेरे ख्याल से कमलम ही है ये जगह, और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री गुजरात के ये जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरी बार जीते हैं अपनी घाट लोडिया सीट से। एक अनजाना चेहरा थे जब ये मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार वो चुनकर आए थे विधानसभा में, और किसी को विश्वास नहीं था कि वो इस तरह सफलता की ओर भाजपा को ले जाएंगे। और न सिर्फ ले गए, भाजपा ने भी भूपेंद्र पटेल के चेहरे पे अपना भरोसा जताया, और देखिए जनता ने उन्हें एक रिकॉर्ड मतों से उनको जिताया है घाट लोडिया सीट से। और ये एक तरह से जो बात कही जाती है गुजरात में कि पूरी कैबिनेट बदल दी गई पिछले एक साल में, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, लेकिन भाजपा ने जो भूपेंद्र पटेल पे जो दांव लगाया वो बिल्कुल सही साबित हुआ दिखता है, और यही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी चुनाव में मौजूद थे निश्चित तौर पर। और ये जो ऐतिहासिक जीत है ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्साह के रूप में दिख रही है, किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं बम और पटाखे फोड़ते हुए, साथ ही साथ जिस तरह से ये जो पूरा जश्न का माहौल है, निश्चित तौर पर ये कार्यकर्ता भी उसको डिजर्व करते हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, परिश्रम किया है, और साथ में जो खुशियों से लबरेज हैं वो उसकी एक बड़ी वजह है। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से अपनी पार्टी को जिताया है, और उनके बीच में उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ कह रहे हैं जनता के बीच में, कुछ बातें रखना चाह रहे हैं, हम सीधे उनको सुनने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वहां शोर काफी है, शोर बहुत है, और निश्चित तौर पे आप देखें भूपेंद्र पटेल, एक टिप्पणी चाहूंगा अशोक जी आपकी, कि ये बिल्कुल जो परंपरागत जो नेता होते हैं सो कॉल्ड, वैसे दिखते नहीं, ना उनके कपड़े ना उनके हाव भाव। में अब विश्वास नहीं रखती। देखो हमारे देखते देखते गांधी टोपी एक किस प्रकार का पर्यायवाची बन गया, और इसी तरह से अब आवश्यक नहीं है कि आप किसी एक विशेष तरह की वेशभूषा में नेतृत्व करें। तो इसलिए गुजरात में मुख्यमंत्री अगर कमीज और पैंट पहनते हैं, इन चीजों का असर अब नई पीढ़ी पर तो बिल्कुल नहीं होता, मुझे लगता है अब किसी पर भी नहीं होता। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि भूपेंद्र पटेल जो हैं वो पैंट और कमीज में जनता के सामने आ रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि पार्टी ने जब उनको मुख्यमंत्री बनाया तो वो बहुत ऐसे बड़े नेता नहीं थे, और पहली बार तो दूसरी बार तो चुने ही थे वो। तो इसमें क्या है कि पार्टी का अगर संगठन मजबूत है और पार्टी का जो इलेक्शन मशीनरी, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से काम कह रहे हैं, કાકોડિયા વિધાનસભામાં આ ઉમેદવારની જીત નથી પણ આપ સૌની જીત છે। અહીંયા તો તમે બધા જ ઇલેક્શન લડ્યા હતા, જીત છે।
जनादेश डेस्क से। एक लाख 92,000 बसों ने 63 रुपया एक लाख 12,000 मतों से जीत की बात बताते हुए भूपेंद्र पटेल थम्पिंग मेजोरिटी से इन्होंने भी जीत दर्ज की है। जिस तरह से सरकार बनाई है उसी तर्ज पर अपनी सीट भी जीती। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद इनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी जी। इन पर पार्टी का भी भरोसा था, प्रधानमंत्री का भी भरोसा था जी, और उसकी वजह रही जी, जनता ने भी अपना भरोसा जताया जी। लगातार जो जो पुष्प वर्षा है वो बंद नहीं हो रही है, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो चरम पर है। तो देवेंद्र रावत के पास चलते हैं जनादेश डेस्क पर। देवेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे जिस तरह से इसके पहले आप जो बीजेपी ने कुछ स्टेशंस पर अगर हार दर्ज की थी या ये कहा जाए कि पिछली थी, चाहे वो आप सौराष्ट्र और कच्छ की बात कर रही हो, चाहे वो नॉर्थ गुजरात की बात रही हो, लेकिन इस बार वो सारे समीकरणों को पलट दिया। सौराष्ट्र और कच्छ की बात कही जा रही है, क्या हार्दिक पटेल जैसे नेताओं का आना, पाटीदार वोटों को साथ में लेकर आना, क्या इसकी प्रमुख वजह रही है? किस तरह से देखते हैं इसको? निखिल, आपको याद होगा जब 1980 के दशक में माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस के दिग्गज नेता जब वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आए थे, 149 सीटें वो जीत के आए थे। उस वक्त कहा जा रहा था कि खाम एक उन्होंने एक क्षत्रिय आदिवासी दलित और मुसलमान ये इन वर्गों को इकट्ठा करके एक वोट बैंक बनाया और उसके उसके आधार पर वो जीत दर्ज करके आ गए। लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी 156 से ज़्यादा सीटें जीत रही है और नज़र आ रही है, साफ तौर पर गुजरात बहुत आगे निकल गया है। अगर हम कहें कि साबरमती में काफ़ी पानी बह गया तो इसे अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप गुजरात में देखिए तमाम जो आप अगर आप गुजरात के मैप को देखते हैं और उन सीटों को देखते हैं तो आप ऊपर से नीचे और पूर्व से दक्षिण तक आपको भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। जाति कोई फैक्टर नहीं रह गया ऐसा लगता है।